हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ न्यू सॉन्ग के बारे में। जासमीन भसीन और अली गोनी का नया सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है। सॉन्ग कैसा है, मुझे कैसा लगा, क्या क्या इसमें खास बातें थी और पूरा रिव्यू रिएक्शन आपको देने वाला हूँ, तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखें। सब्सक्राइब नहीं किया तो इस कैसे क्लिक करें। देखिए, नया दिन नया सॉन्ग। बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी के सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं और ज़्यादातर उनमें से है म्यूज़िक वीडियो। और जितनी भी म्यूज़िक वीडियोज़ रिलीज़ हो रही है वो बहुत बड़ी बड़ी हिट भी हो रही है, चाहे वो अली गोनी की हो, जासमीन की हो, रूबीना की हो या फिर किसी और की हो। अब बात करते हैं नए सॉन्ग की जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ। इस नए सॉन्ग का नाम था तू भी सताया जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें जासमीन भसीन की बात करें या अली गोनी की बात करें तो इन्हें इस सॉन्ग में फीचर किया गया है और दोनों ने एक ठीक ठाक काम किया है, एक एवरेज काम किया है। और अगर बात करें इस सॉन्ग के प्लस पॉइंट की तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलता है विशाल मिश्रा की तरफ। जी हाँ दोस्तों, विशाल मिश्रा, इनकी आवाज़ बहुत ही दमदार है, बहुत ही यूनिक है और इनकी आवाज़ में आपको वो दर्द दिखेगा जो आपको बी प्राक के सॉन्ग में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसी तरह का सिमिलर ये सॉन्ग था, उसी तरह के टोन से जुड़ा ये सॉन्ग था। और अगर हम बात करें तो विशाल मिश्रा ने इसका म्यूज़िक भी दिया है और पोइट्री और जो लिरिक्स हैं वो भी विशाल मिश्रा ने ही लिखे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा कि मल्टी टैलेंटेड सिंगर हैं। और ये सॉन्ग है ये वी वायरल ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुआ है। ओवरऑल अभी मैं बात करूँ तो लोग इस सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ओवरऑल मैं यही कहूँगा सॉन्ग अगर आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा दमदार है, वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस पे शूट किया गया है। और अगर हम बात करें इसमें ड्रेसेस की जो कि जासमीन भसीन ने पहनी है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये वही टिपिकल आप कह सकते हैं जो आजकल सॉन्ग रिलीज़ हो रहे हैं, ज़्यादातर ब्रेकअप वाले, ज़्यादातर आप कह सकते हैं धोखा देने वाले, उसी तरह का ये भी एक सॉन्ग है। पर अच्छी बात यह है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कहीं ना कहीं उभर रहा है, अब एल्बम्स निकल रही है, सिंगल रिलीज़ हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड से ही सॉन्ग आ रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।